हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप? सो गाइस, मैं फाइनली बहुत मुसीबतों के बाद आ गई हूँ खारगर सबसे मिलने के लिए। हाय मस्तू, ये मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुशी है। हंसो जरा बेटा। तो गाइज, मुस्तुजाब हंस रहा था लेकिन ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं हंस रहा है। और यहाँ पे है बिलाल भाई। भाई तुम्हारा थोड़ा मुंह सूजा सूजा लग रहा है। मेरे को मतलब आई गॉट समवन्स आई ऑन मी, यू नो, नजर है किसी की तुम्हारे पे। एंड यहाँ पे है जीशान, अमन भाई एंड जाहिद है। मुझे पता है तुम लोग ने मुझे बहुत मिस किया। अरसु नहीं, सुनो तो, देख रहे हो तीन दिन बाद किसी का नाम भी नहीं आता है। अरे मैं लेके बात, मैं यहाँ पर है नहीं। मैं अभी क्या कुछ बोल, भी भूल गए थे तुम। नहीं, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही कुछ बोलने वाली थी तो मैं तुमने टोक दिया। तुम गुड लिस्नर हो नहीं ना, इसलिए मैं ये बोलने वाली थी कि मैं इतनी बीमार थी, तुम लोग चलो यहाँ पे थे, समझ में आता है। लेकिन अरसु मेरे को एक बार नहीं मिला है। ये क्या बोले थे कि तुम लोग का समझ में आता है, अरसलान तो वहां पर रहता है। डोंट जज बुक्स बाय इट्स कवर, ओके? तुमको मालूम नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? सेंस नहीं बता सकता, ऑफ कैमरा बताऊंगा। अच्छा ठीक है गाइस, सबके सब बीमार पड़ रहे, किसी को कुछ ना कुछ हो ही रहा है क्योंकि अभी, हाँ क्योंकि अभी वायरल फैल रहा है इसलिए। लेकिन अरे वाह, तुमसे पहले मैं बीमार हुई तो मैं तुमको कैसा देख रहा हूँ? मैं पहले बीमार हुई सबसे ज्यादा। साथी क्या बोले थे आरती दीदी की, ना गले से आवाज नहीं निकल रही। अभी देखो कोल्ड करने में कैसा आवाज। क्योंकि मैं गलत इल्जाम अपने पे नहीं सह सकती हूँ कभी भी, इसलिए मैं फाइट बैक करती हूँ ये चीज के लिए। घर पे देखिए क्यों नहीं हम लोग को, ये तो बता। क्योंकि तुम लोग आए ही नहीं। गाइस मेरे पास प्रूफ है पूरा, चैट का मैं डालूंगी। जब मैंने इन लोगों को बुलाई, लोग नहीं है वॉट एवर, वहाँ बुलाना नहीं हुआ। वाह ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तुम कभी भी आ सकते हो मेरे घर पे कभी भी। सो गाइस मैंने अभी मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि इतने दिन से अक्षत की हाथ की छाई नहीं पीना, इसलिए बीमार हो गया। अभी कैसा ठीक हो? अभी एकदम तबियत ताजा हो, ठीक करके देता हूँ। सही बात है। तो गाइस जैसे कि मैं इतने दिन बाद आई हूँ तो मैंने सोची कि क्यों ना मैं इन लोगों के साथ एक चैलेंज खेलूं। और उस चैलेंज में मतलब ग्रुप के रिलेटेड क्वेश्चंस है बहुत सारे, तो देखते हैं आपको आज पता चल जाएगा कि ग्रुप में कौन कैसा है और मतलब किस में क्या क्या हरकत है वो आपको पता चल जाएगी ये चैलेंज के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइस अभ्रेश नहीं है क्योंकि उसको वो कुछ काम से गया है बाहर, तो हम लोग सब लोग ये चैलेंज करने वाले अभी। सो अगर आपको चाहिए रहेगा कि ये सब जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स अभ्रेश भी दे तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट उसके साथ बनाऊंगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉग चैनल से। यस सो गाइस माय गॉड, मैं इन लोगों को क्वेश्चन पूछूंगी और अगर किसी ने भी डिप्लोमेटिक आंसर दिया तो उसको पड़ेगा एक गुच्छा अमन भाई की तरफ से, क्योंकि मेरे में अभी ताकत नहीं है मारने की। मैं तो चाहती हूँ कि आए मेरे अंदर डिप्लोमेटिक। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन लोग सब लोग जैसे एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं, तो मैं पूछना, अरे है तो इसके लिए बोलते हैं ना, तो मैं ये पूछना चाहूंगी क्वेश्चन कि तुम लोग सब में से सबका फेवरेट भाई कौन सा है? एक ही का नाम लेना है, एक ही का नाम लेना है। तो एक ही का नाम ले रहा हूं ना, एक एक करके सबका नाम ले दो पहले। नहीं नहीं नहीं, एक का ही नाम, ऑल इन वन, एक का ही नाम। नहीं नहीं नहीं, इक्वल में रखते हैं। मैंने क्या बोली? डिप्लोमी वाला आंसर है क्वेश्चन। भाइयों में फूट लाना चाह रहे हो? हमारे लिए सब इक्वल है, तुम एक अकेली हो, बाकी सब इक्वल है। लड़ रहे क्यों हो? मेरा क्वेश्चन तो सुनो पूरी तरीके से। एग्जैक्टली मेरा ये बोलने का मतलब है, मुझे पता है कि सब लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक का नाम अभी लेना पड़ेगा। आरती, 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 सब लोग आरती का नाम। आरती झूठ बोल रहा है। आरती यार बहुत चीटर हो। छोड़ो गाइस लोग इतराएंगे, इसके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूं। व्हाट अ पेमेंटिक क्वेश्चन पूछो मेरा पे। चलो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी लड़की का नाम है जिसपे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तुम लोग को ऐसा लगता है?
कोई एक लड़की का नाम बोलो जिसपे कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नहीं ऐसा बेवफा औरत। ये सही था, यही नाम एक आंसर था, परफेक्ट था। नाम लेना है लड़की का, बेवफा नाम था उसका। देखो देखो पूजा एक रहेगी वो बेवफा होगी, मगर दूसरी पूजा होगी वो जो प्यार वाली होगी, बोल नहीं सकते इसलिए लड़की लोग पे कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। एक लड़की हमेशा झगड़े लगाती है लड़की को बीच में, पहली बार ऐसा आरती नाम की लड़की का नाम की नहीं शिव आरती, यही पर्सन कर सकते, यही पर्सन इसमें मीम बताना चाहूंगा, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, मीम बताऊंगा मुस्कान। ओके अरसलान भाई से तो बेवफा औरत सबसे डिप्लोमेटिक आंसर मेरा नहीं था। हाँ, ग्रुप में ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा अंधविश्वास पे बिलीव करता है? भाई आरती, आरती और अभ्रेश। एक इंसिडेंट का बताओ, बिल्ली सामने से रास्ता काटी, आरती को पैर लग गया, अंधे हो जाए। ऐसा नहीं है, और खुद को पैर मारते रहेगी, बोलेगी आँख की रोशनी बढ़ेगी, ले कहा था तू। मैं बोलती हूँ लड़कियों को पैर नहीं लगना चाहिए, अच्छा नहीं, अंधे हो, अंधे हो। गाइस आरती का एक इंसिडेंट मैं भी बोलना चाहूंगा। आरती बीमार पड़ती है ना तो उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी ने नजर लगाया। अरे इंसान है, खराब होता है भाई। जैसे बताओ जरा, नजर होती है कि नहीं होती है? नजर नहीं, नजर होती है, नजर से ही बीमार पड़ सकते हैं। होता है, उदाप की भी तो होती है। देखा, काला कपड़ा बना के शूट नहीं करता है, नजर से ही सिर्फ बीमार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर किसी ने भी डिप्लोमेटिक दिया ना, सिंगल होना अच्छा है या रिलेशनशिप में होना अच्छा है? सिंगल हो तो भी खुश होते हैं, क्योंकि अमन अभी डबल है इसलिए वो बता रहे। देखो मेरा नाम खाओ, जब तक खाओ तो भी प्रॉब्लम, इससे अच्छा खा के बसता हूँ। सिंगल में भी रहते खुश, और जब आती है कोई तब भी खुश होते, और डिपेंड करता है वो कैसे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सिंगल में खुश है अभी। क्या भाई भी सिंगल में खुश होते हैं? अभी कोई आएगी तो फिर उसके बाद पता चलेगा। मैं दोनों तरफ हूँ, इधर भी खुश, उधर भी खुश, खुशी देते सिंगल भी देते, बस खुशी मिले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप में सबसे नाजुक कौन है? आरती। हेलो आरती, नाजुक पता है, एकदम छुई मुई। आरती दीदी, आरती दीदी है, छुई मुई मेरे को पता है दिन का। चलो हल्का सा हाथ पड़ा, लग गई बहुत जोर से, का हाथ लगता भी है भाई। अच्छा मेरे को क्या बोलते, कनिंग कनिंग का आपको पता है गाइस रीजन क्या है? वो छुई मुई रीजन याद है? कमेंट में पूछना गाइस, कनिंग क्यों बुलाते मेरे को? अपने ग्रुप में सबसे पॉजिटिव इंसान कौन है? मैं। पॉजिटिव जिशान भाई और अभ्रेश भाई। जिशान भाई, अभ्रेश भाई और मैं, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरा बी नेगेटिव है। मेरे को खुद नहीं पता मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ही है PCA? नहीं, वो सबको दे सकता है। अच्छा
लेगा कौन तुम्हारे में से होगा तो लेगा चलो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये ब्लॉग बन रहा है किसके लिए? इसके लिए आप ट्रोल करने के लिए बन रहा है क्या? नहीं ट्रोल थोड़ी ना कर रहे, सच्चाई पूरी अपने आप लग रही है। हम क्या कर रहे अपने ग्रुप में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको गुस्सा आने पे वो किसी को भी मार सकता है? कोई नहीं है ऐसा। आरती दीदी है। आरती है। नहीं हूँ मैं। कोई भी नहीं अपने ग्रुप में। कोई भी नहीं। वैसे लोग गुस्सा देखते हो तुम मेरा? नहीं देखो कोई किसी का गुस्सा आज तक नहीं देखा। मैंने बताऊंगा नहीं देखो। मैंने अरसू का देखी, अमन भाई को तो कभी नहीं देखी हूँ। नहीं देखी हूँ, देखी हूँ, देखी हूँ। जब तुमको मान लो सता रहे थे तब, हाँ वो भी तो मस्ती कर रहे थे। और साई भाई को तो खैर, बिलाल भाई थोड़े है कनी नहीं गुस्सा। भाई मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ उसका तुम्हारा। ओके चलो डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अपने ग्रुप में सबसे बेस्ट हंसी किसकी है? दोनों ही इसकी अच्छी है। चला हंस के दिखाओ। सबसे गंदी हंसी किसकी? आरती। सच्चाई बता रहे हम तो बुरा अपने। अच्छा तुम मुझे आपकी अदालत में मत खड़े रहो, वहां पर भी लोग झूठ बोल देते। सबकी अच्छी हंसी है। मैं सही बोलो ना, हंसी सबकी अच्छी है, अपन किसी के अंदर नुक्स नहीं निकाले। डिप्लोमेटिक अल्लाह ने बनाया। डिप्लोमेटिक वो चीज को बुरा नहीं बोला। अभी तक कवर दिए सब बोलने के बाद कवर। ओके अपने ग्रुप में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास सब चीज अवेलेबल होती है? जैसे कि मतलब कुछ भी मेडिसिन ऐसा वैसा सब कुछ जब नहीं, सब किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ नहीं रहता है। सब अधूरे एक दूसरे के बिना। हमारा ग्रुप ऐसे ही है गाइस। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रुप में से कोई भी एक इंसान नहीं रहेगा तो सबसे ज्यादा किसको मिस करेंगे? मतलब कोई गया रहेगा तो सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? उसी बंदे की जो गया। ये नहीं बोलना था अर्शनान भाई। क्या बोले? बोला सच्चाई बोला। सच्चाई बोले। खाली दो जने हैं और बाकी के लोग नहीं है। मतलब अगर तुम लोग दोनों तो तुम बताओ कि तुम किसको मिस करते हो हम लोग सब लोग में से? तुम बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। तुम बताओ। बताओ किसको? गाइस लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।